कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कौन लोग पहुंच रहे हैं। विपक्षी पार्टियों से गलतियां हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनता ने भी कई इस बार के चुनाव जो परिणाम आए हैं उसमें जनता के लिए भी सोचने की बहुत संभावनाएं हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो महिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को, गोडसे को देशभक्त कहती है और हमारे शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कहती है, क्या ऐसी महिला को पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए? जो व्यक्ति हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, वो गिरिराज सिंह 4 लाख वोटों से जीत के क्या वो पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए? तो इसलिए देश की जनता के लिए भी आत्मावलोकन और आत्मचिंतन का समय। यदि साध्वी प्रज्ञा को मंत्री बनाते तो आपका क्या रुख रहेगा? मंत्री बनाए तो जीत गए हैं, मंत्री बनाए चाहे प्रधानमंत्री बना दें, हो सकता है कि गृह मंत्री देश का बना दें, जो चाहे करें। हालांकि मोदी ने कहा था कि माफ नहीं, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है देश के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मोदी ने कहा था कि उन्हें माफ नहीं कर सकेंगे, वो तो माफ नहीं कर सकेंगे तो अपनी पार्टी में क्यों रखा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाली महिला उनके बगल में बैठेगी पार्लियामेंट के अंदर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?